सपा की लानत मलानत की, मुजफ्फरनगर दंगा मामलों में दो बीजेपी विधायकों की बेगुनाही का बाजा बजाया, गुजराती विकास का गुब्बारा फुलाया, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों पर बात करने से साफ बच निकले। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने सवाल खूब उठाए, लेकिन ये सवाल मोदी ने अपनी सुविधा के हिसाब से ही दागे थे। जाना ये खबर नहीं है, बिजली का आना ये खबर बन जाती है। मोदी को रोका नहीं जा सकता, बम बंदूक और पिस्तौल के सहारे राजनीति करने वाले कान खोल करके सुन ले, हम दूसरी मिट्टी की पैदावार है। लायन उन्होंने मांगे हैं, हमने दिए भी है। सिर्फ लायन नहीं, वो गीर की गाय मांगते दामोदर दास। तो बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने बहराइच की रैली में आरोप लगाया कि उनके पीछे सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन को लगा दिया गया है। मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में सपा बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी के बजाय सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन चुनावों का मोर्चा संभालेंगे, ताकि कांग्रेस का किला बचाया जा सके। बम बंदूक और पिस्तौल के सहारे राजनीति करने वाले कान खोल करके सुन ले, हम दूसरी मिट्टी की पैदावार है। अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिर और मजबूत सरकार भी दे सकता है, और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य भी देता उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग्य नियंता उत्तर प्रदेश है, राजनीतिक स्थिरता की ताकत भी उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश की उपयोगिता को नरेंद्र भाई से बढ़िया कौन समझ सकता है। 80 सीटों पर टिकी आस्था ने विपक्षियों के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। गुजरात का बली अब देश का बलजोधा बनना चाहता है, इसीलिए तेजी से सवाल दागते हुए अखिलेश को सीधा करंट दिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना ये खबर नहीं है, बिजली का आना ये खबर बन जाती है। लोग चर्चा करते हैं, आप पिछले मंगल को आई थी, कोई कहता है बुधवार को आई थी, इंसान इंतजार कर रहा है बिजली कब आएगी। भाइयों बहनों, क्या बिजली अभी हमारे आपके नौजवान मुख्यमंत्री, मैंने सुना है कि उनके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है, बाकी उत्तर प्रदेश को बिजली देने की उनको चिंता नहीं है। दूसरे खान साहब हैं, उन खान साहब के इलाके में भी बिजली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती है। बिजली पर प्रकाश डालते हुए मोदी आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए। पहले हाथी पर वार किया, फिर लॉयन सफारी के बहाने धीरे से सूबे के शेर का शिकार कर डाला। यहाँ पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हाथी का प्रेम था, अभी के मुख्यमंत्री को लॉयन का प्रेम है, वो लॉयन सफारी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी मिले या न मिले, वो लायन सफारी बना रहे हैं। अकेला उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा होता ना, तो भी पूरा हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाता। यह देश गरीब देशों की श्रृंखला में नहीं होता, लेकिन उनको तो सिवाय वोट बैंक की राजनीति करना और किसी काम में नहीं। ये बढ़िया है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लेकिन क्या नरेंद्र भाई बता सकते हैं कि बहराइच में बीजेपी की रैली क्या माता रानी का चंदा इकट्ठा करने के लिए की गई थी। मोदी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि गुजरात का शेर केवल सवाल करता है, आगे और भी है, सुनिए। आपने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे दो विधायकों को जेल में बंद कर दिया, और आप कानून के सामने टिक नहीं पाए, और जब न्यायपालिका ने उनको छोड़ दिया
तो दूसरे कानून लगा करके दोबारा अंदर कर दिया। अपने विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा की बात करते हुए मोदी मुजफ्फरनगर दंगों पर बोलने से बिचक गए। शायद बीजेपी के सूरमा को सवालों से ही प्रेम है। आरोपों का तेगा भांजते हुए मोदी फिर एक जगह ठिठक गए। अगले चुनाव में ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। ये इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। अगले चुनाव में तो मुझे लगता है सीबीआई, इंडियन मुजाहिदीन, यही लोग चुनाव का मोर्चा संभालेंगे ताकि कांग्रेस को बचा सके। बहराइच में बात करते हुए बीच बीच में नरेंद्र भाई गुजराती विकास का गुब्बारा भी फुलाते रहे। मंच पर चढ़कर आरोपों के अनुष्ठान में सपा, कांग्रेस और बीएसपी की आहुति खूब दी। उम्मीद है नरेंद्र भाई 2014 के अश्वमेघ यज्ञ में सफल होंगे। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाई प्रदीप माथुर हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला साहब हैं, आपका विशेष आभार शुक्ला जी, आप भाजपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की जो एक शानदार रैली या भाजपा के शब्दों में रेला जो बहराइच में हुआ, आप उसके कर्ता धर्ता थे, आपके मजबूत कंधों पर उस रैली का पूरा जिम्मा था। और आज बहराइच से आप हमारी पुकार पर, आप वहां से जैसे तैसे हमारे स्टूडियोज में सीधे आए हैं, इसलिए शुक्ला जी आपकी इस जीवटता के लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारे बुलावे को टाला नहीं और वहां से यहां तक आए। अच्छा, क्या विशेष रहा आज रैली में शुक्ला जी? देखिए, सबसे विशेष तो ये रहा कि रैली बहराइच जैसे बहुत छोटे से स्थान पर रही और उसके साथ साथ शहर से बिल्कुल हट करके रहे। उसका परिणाम ये रहा कि कुल 3 लोकसभा और 1 लोकसभा आंशिक, इसकी ही वो पूरी रैली रही। लेकिन वो रैली क्या मैं समझ रहा हूं अतुल जी की एक जनसैलाब की स्थिति वहां पर थी। सड़क पूरी भरी, मैदान की तो बात थी छोड़ दीजिए, सड़क पूरी भरी हुई थी और लोगों को निकलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि गाड़ियां और लोगों का एक जमावड़ा था। उस जमावड़े को धीरे 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 करके गाड़ियां खिसक रही थी। तो रैली के संदर्भ में अगर बात करेंगे तब तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहराइच जैसे स्थान पर वह रैली अद्भुत रही, अभूतपूर्व रही। अच्छा, आज मेरे कांग्रेसी नेता से बातचीत हो रही थी, हमारे मित्र, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने और भाजपा ने यह नहीं बताया कि इस रैली में कितना रुपया रखे हो, एंट्री शुल्क, एंट्री फीस कितनी रही। तो मैंने कहा आप ही से पूछ लूं। मुझे लगता है कि शायद उनको इस बात का फोबिया हो चुका है कि मोदी जी ने जो 5 रूपये या 10 रूपये की बात कहीं किया था, जिसको उत्तराखंड में के फंड में भेज दिया था लेकर के, उनको इस बात का फोबिया हो गया। इस नाते वो बाद में बार बार यही कहते हैं मोदी जी कितना माथो साहब है, बताइए वो आप लोगों को मोदी जी आज इतना कोसा। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं क्या क्या लगा दिया है पीछे जो है, ये क्या स्तर कहां जा रहा है? राजनीतिक स्तर बड़ा खराब लेवल पे जा रहा है। और मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो घोषित है भारतीय जनता पार्टी के, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक सुसंस्कृत यदि व्यक्तित्व है वो, तो इस तरह वो आरोप लगाएंगे एक नेशनल पार्टी को जो सत्ता में बैठी हुई है कि वो सीबीआई, इंडियन मुजाहिदीन और ये चुनाव लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, लोकतंत्र में क्या ऐसी बातें होती हैं? तो आप बताइए उनको सुनता है भाई। अरे मोदी जी का भाषण आप लिखवा दीजिए ना, जैसे राहुल जी का लिखते हैं। अरे हम क्या लिखा है, हम नहीं लिखते ना, राहुल जी के लिखे जाते हैं। राहुल जी स्टंपर बोलते हैं और इस तरह के भाषण औचित्य ही है और इस तरह के भाषण नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती में 8 प्रधानमंत्री दिए हैं,
और उत्तर प्रदेश को मोदी जी इतने हल्के में ना ले, यहाँ की जनता बड़ी परिपक्व है और राजनीति की क्वेश्चंस और सब जानती है। अरे हल्के में लौट लौट के यूपी काहे को आते भैया? अरे तो आजाद ऐसा है कि अभी नए नए मिलना है, अभी आए हैं लोग, देखना देख रहे हैं उनको, और एक नई हीरोइन के मामले में नई जनता इकट्ठी हो जाती है। अच्छा तो राजनीतिक फिल्म की ये नई हीरोइन है नरेंद्र मोदी? प्रदीप भाई जी बिल्कुल, ये एक नई परिभाषा आज समझ आई। अच्छा एक बात प्रदीप भाई कहूं, मैंने राहुल जी की रैली देखी, मुलायम सिंह जी की रैली देखी और नरेंद्र मोदी की रैली देखी। ईमानदारी से बोलूंगा, पक्षपात से परे, भीड़ तो दो ही खींचे, मुलायम सिंह की रैली और मोदी की रैली। राहुल गांधी की रैली, एक सेकंड मैं कंप्लीट तो कर लूं प्रदीप भाई, राहुल जी की रैली उनके कद और कांग्रेस जो में उनका जो दर्जा है देश की सबसे बड़ी पार्टी में, उसके मुताबिक भीड़ नहीं रही कहीं, क्यों इसकी कोई वजह? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कोई रैली मुकाबले की रैली नहीं थी। मैं मुकाबले की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नंबर वन, नंबर टू, इस तरह की रैली नहीं थी कि मोदी जी के कंपटीशन में कोई रैली की जा रही हो। हुजूर धन्यवाद रैली थी प्रदीप जी, फूड सिक्योरिटी बिल के मामले में प्रदीप जी, और आपके अरे मैं कह रहा हूं आप मिड डे मील के मामले में करो, फूड सिक्योरिटी से क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं बड़ा नेता जब आता है तो जन सैलाब उमड़ता दिखना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए? ऐसा है, आप सलेमपुर की रैली देखिए, जन सैलाब उमड़ा था। अब आप लोग कांग्रेस की प्रदीप भाई की भी आप दिखाएंगे ही नहीं। प्रदीप भाई नहीं, क्या हो गया आप भैंस खोल ली है साहब, जो हम आपकी भीड़ नहीं दिखाएंगे? नहीं सवाल है, आप देखिए प्रदीप भाई, प्रदीप भाई राहुल जी की रैली होती है तो भीड़ों को आप चैनल फोकस ही नहीं करते। प्रदीप जी देखिए खाली राहुल जी का बोलते हुए दिखाते हैं। अरे भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल प्रदीप जी कैमरे झूठ नहीं बोलते, इस थंब रूल को याद रखें, कैमरे झूठ नहीं बोलते। पर आप तो राहुल जी की भीड़ को दिखाते ही नहीं है, सलेम जी की कैमरे भीड़ नहीं दिखाई। अगर हमने आपकी आरोप मान लिया, आपका आरोप मान लेते चलो एक पल को, फिर भी मेरे पास फीड तो आती है ना, मैं उसको हेडफोन लगा के सुनता हूं क्या बोला और आंखों से देखता हूं। विजुअल चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, अभी हमारा इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, इनका इलेक्शन कैंपेनों ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। क्या पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर इनका साथ दे रहा है? नहीं नहीं, और कॉर्पोरेट सेक्टर साथ दे रहा है, तो पर मुलायम सिंह की रैली में भीड़ क्यों आ रही? नहीं उनका कैंपेन नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने कैंपेन उस तरह से जिस तरह से। अच्छा ये बताइए जैसे अगले हफ्ते से मायावती की रैलियां शुरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं समीक्षा तो होगी मित्र, ये कह के कैसे भी चलाइए कि हमने अभी कोई चार रैली जो हमारी हुई वो धन्यवाद रैली थी, अब इलेक्शन रैली माधव साहब सुन लीजिए, जैसे क्रिकेट की जब नई पिच किसी मैदान में बनती ना, नई पिच बनती है जिसमें बॉल ना डाली गई हो, तो उसमें पहले ट्राई बॉल फेंकी जाती है ताकि देख ले कि भाई गेंद कितनी उछल रही है कितनी नीचे आ रही है। क्या राहुल गांधी के लिए जो आप चार धन्यवाद रैलियों की बात कर रहे हो, ये ट्राई बॉल जैसी थी क्या? तो चलो भाई चार ट्राई बॉल रैली मैच खेलेंगे, रैली वो कंपेरेटिव सब रैली, चारों रैली सक्सेसफुल थी और खूब अच्छी भीड़ थी सब में। आप ये कैसे दिखाता नहीं है प्रदीप भाई? आप बिल्कुल नहीं दिखाता प्रदीप, बातें ये हो रही है भीड़ नहीं दिखाती मैं। प्रदीप भाई एक बात कहूं जी, एक बात कहूं, मुझे पता है आप उसका खंडन कर देंगे, करना भी चाहिए, आप जिस पार्टी के विधायक दल के नेता है उस नाते आपका फर्ज है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मेरी जानकारी है कि मधुसूदन मिस्त्री ने बैठक बुलाई पार्टी के जितने भी बड़े कर्ता धर्ता उत्तर प्रदेश में हैं और उनसे इस बात को कहा कि राहुल जी की रैलियों में भीड़ कम क्यों आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं इस तरह की कोई बैठक नहीं, मैं जानता हूं, मैंने पहले ही आप खंडन करिए, नहीं खंडन नहीं, मैं नेता कांग्रेस विधानमंडल दल हूं, यदि इस तरह की बात होती तो मधुसूदन मिस्त्री जी मुझसे भी कहते, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। प्रदीप जी मैं मानता, देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं आपकी बात को हाँ कर दूं, नहीं नहीं कैसे हाँ कर दूं जब इस तरह की बात ही नहीं हुई? प्रदीप जी इस बात से इस तरह की इस बात को तो आप कभी हाँ नहीं करेंगे। अरे साहब तब्दील भाईजान हुई नहीं, क्योंकि आप नेता है भाई, कोई नेता अपनी पार्टी, लेकिन
इतना जरूर है कि रैलियों में भीड़ की तुलना तो संसदीय लोकतंत्र में हमेशा होती है, हमेशा कहा जाता है किसकी रैली इतिहास। अभी क्लाइमेक्स होने दीजिए, अभी शुरुआत होने दीजिए, भीड़ हमारी रैलियों में आ रही है और तेजी से आएगी। अच्छा, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या ऐसा मामला क्या है जी।